जी गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा सा मैं अपना ऑर्चर से एक लाइव आया हूँ अभी। एक्चुअली क्या है, कल भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, तो इस टॉपिक में हम सिर्फ दो ही टॉपिक अभी मैं बात करूँगा। पहले भी हम कर चुके हैं बात इस पे, बट फिर भी कुछ एक ऐसे क्वेश्चन थे जिनको शायद हम भी पहले क्लियर नहीं करें अपने प्रीवियस टॉपिक में, तो उनको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। देखो, मैक्सिमम आपको पता ही, अभी 5,000 5,500 तक का मैक्सिमम पेटल फॉल हो ही चुका होगा आपकी बैट्स में भी, तो उसको हम कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि अभी आज हम सिर्फ माइट्स, ठीक है, आपकी जो माइट्स आपको दिक्कत आपको आ रही होगी, तो माइट की दिक्कत आ रही है सबसे मेन, तो माइट आपका उसके काफ़ी क्वेश्चन था, दूसरा रस्टिंग। तो दो टॉपिक हम इसमें अभी क्लियर करते हैं फिलहाल, क्योंकि बाकी मैक्सिमम हम कर चुके हैं, पहले भी हम ये कर चुके हैं, बट एक कुछ एक इसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो थे उसको हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले वो नहीं बताए। तो देखो, कल भी मुझे 5-1 जो है वो कॉल्स आई थी रिलेटेड टू कि इसमें कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले क्या होता है कि अगर आपकी लीव्स हेल्दी नहीं है ना, तो देखो बीमारी तो आनी है, फ्रूट क्वालिटी नहीं बनेगी। अब आप यहाँ देख सकते हो, आप 5,500 पे, 5,200 फिट पे आपका जो फ्रूट है वो आपका वॉलनट पहुँच ही चुका है, ठीक है, पहुँच रहा है हमारा सुपर चिम में। तो आप खुद देख सकते हो, इसमें क्या है कि इसके लिए न्यूट्रिशन जो जा रहा है, ठीक है, आप ये देख सकते हो फ्रूट जो पहुँच रहा है वॉलनट स्टेज में, तो इसके लिए जितना भी जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो देखो लीप्स आप इसकी देख सकते हो। लीप्स में आप ये भी देख लो कितनी लंबी लीप्स है इसकी, सॉरी मैंने तोड़ ही दी है, तो आप ये देख लो, ये इसकी आप लीप्स आप खुद देख सकते हो, आप इसकी लीप्स देख लो पहले, ठीक है। तो देखो, अगर लीप्स आपकी हेल्दी है ना, ठीक है, अगर ये सारी लीव्स आपकी हेल्दी है तो डेफिनेटली फ्रूट क्वालिटी भी फिर उसके साथ साथ जो होती है वो बढ़ती है। और दूसरा देखो, क्वालिटी बनाने के लिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंगल सिंगल रखो, और जैसे यहाँ देखो ना आपने, यहाँ हमने रखा सिंगल, ठीक है, अब इसका इतना इंच हमने यहाँ से सारा फ्रूट निकाल दिया, फिर कहाँ रखा, उसके आगे, ताकि ये स्मॉल में चले जाए, फिर हमने यहाँ पर रखा है सिंगल, किंग ब्लूम ही हमने मैक्सिमम रखे, ठीक है, किंग ब्लूम का साइज़ सबसे बड़ा होता है। तो चलो, इस पे तो अब ज़्यादा डिस्कस मैं नहीं करूँगा, वो आपकी अपनी वो है कि जिसने जितना फ्रूट निकालना है। तो पर ये कि नेक्स्ट ईयर क्रॉप के लिए आपने एक बीमा आपने जरूर बीच में खाली छोड़ना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए यहाँ नहीं क्रॉप आनी, वहाँ क्रॉप आनी है, ठीक है। अच्छा, जो मेन टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है माइट और रस्टिंग के बारे में। तो कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि हम जब इंसेक्ट करते हैं तो माइट, आप कहते हो कि ज़्यादा इंसेक्ट करोगे तो माइट में प्रॉब्लम आएगी, माइट क्यों माइट बढ़ती है। देखो, सिंपल सी बात है भैया, देखो क्या होता है कि हम इंसेक्ट क्यों ना करें। देखो, इंसेक्ट तो देखो माइटीसाइड माइट के लिए बनी है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट के लिए बनी है। और दूसरा, माइट को देखने का जो तरीका है वो सिंपल सी बात है, जब लेंस नहीं आप यूज़ करोगे आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, बिना लेंस के। देखो, 20 रुपये 10 रुपये का आता है, आप कहीं से भी ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं सीधी माइट्स की। देखो, माइट्स में मैंने सिम्टम आपको बताया हुआ, अगर बाहर से आपको ऐसे कर्ल मिले पत्ती बाहर को, ठीक है, हल्की सी बाहर को कर्ल मिले, दैट मीन्स कि उस लीफ में माइट है, और बाकी आप कोशिश करो लेंस आप लाने की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट की। देखो क्या होता है कि जब आप इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करोगे, ठीक है, उससे क्या, अगर आपके माइट के जो आपके एग्ज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं इंसेक्ट का, वो कह रहे थे ना कि इंसेक्ट, आप में भी शायद डाउट होगा किसी को कि कैसे इंसेक्ट जो होता है वो माइट को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है, जब आप इंसेक्ट के स्प्रे करते हो तो लीव्स में जहाँ भी आपकी माइट होती है, जो भी आपके एग्ज होते हैं, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फट जाता है एग उसका। अब डेफिनेटली सी बात है, जब एग फटेगा तो आपका माइट डेफिनेटली आपको फिर पैदा होनी है, ठीक है। तो इंसेक्ट आपके माइट को बढ़ावा देता है, ये बात आपने माइंड में आपने रख लेनी है। तो ये मेन चीज़ है इसमें, तो माइट आपका मेन हुआ है। और माइट के लिए आपने क्या करना है, देखो जिसको लास्ट ईयर आपको दिक्कत बहुत थी तो आपको पता ही होगा जिसको है, तो उसने अपने पेटल फॉल पे अब आपने स्प्रे आपने कर ली होगी, तो आप क्या कर सकते हो, अब इसके पेटल फॉल के 7 या 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपने प्रिकॉशनरी एक माइटीसाइड आपने पक्का यूज़ कर लेना है, ठीक है, एक मैडन नाम से आपका आता है, ठीक है, आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है, मैडन सरकारी, उसमें आपको मिल जाएगी एक मैडन, और आपने वो 100 ग्राम से आप उसको यूज़ करो, 100 उसकी वो डोजेज आप लो, ठीक है। और उसके क्या है, जिसको आपकी माइट की ज़्यादा दिक्कत है, या कोई लाइन से चेक कर रहा है, या किसी को लास्ट ईयर बहुत दिक्कत थी, तो 10 दिन के बाद मैडन, और उसके 15 डेज़ के अंदर आपने क्या करनी है, बोर्नियो नाम से आती है एक माइटीसाइड आती है, उसको भी 100 में लेना है। देखो क्या होता है इन माइटीसाइड को, ठीक है, हमने भी देखो ये आपने जो आपके एक्सपर्ट हैं उनसे हमने भी 2 साल पहले जो सुना था कि माइटीसाइड को अगर आप हैवी डोज में करते हो, ठीक है, तो ये माइट्स को जो होते हैं वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि मैडन जो होता है ना वो आपका
थ्री मंथ्स तक जो होता है वो क्या है आपको सेव करेगा माइट से, ठीक है, वो आपको 3 मंथ्स तक आपकी हेल्प करेगा ही करेगा मैडन, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप ओवरडोज करते हो, 200 लिखते हो, ठीक है, या आप 85 करते हो, तो फिर उसमें वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो 100 में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उसको 100 ही करो। दूसरा आप बोर्नियो करो उसके बाद, तो ये तो क्या माइट्स की बात, ठीक है। दूसरा अगर कोई आपका वो कर रहे हैं अभी हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल आप कर रहे होंगे, HMO कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप करोगे अभी वॉलनट स्टेज के आसपास, तो उसमें आप अगर कोई नहीं कर रहा है तो माइटीसाइड आप उस टाइम भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ऐड करके वो अभी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वो जैसे आपके रेस्ट माइट पीएस में आती है, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो बाकी अभी तो आपने स्प्रे, आपको पता है अभी आपने सिर्फ क्या होगा NPK अलग से क्या, जिसने करा जिसने इकट्ठा कर दिया वो अलग बात है। बाकी उसमें क्या होता है कि रस्टिंग दिक्कत आती है, जो इकट्ठे करें ना उन्नी वगैरह उसमें डाल रहे हो आप पेटल वॉल पे, तो उसमें क्या है रस्टिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, जो भी फर्टिलाइजर, तो उसको अलग करो। देखो हमारा एक सिंपल सा मेथड है, थोड़ा थोड़ा करके दो, पर अलग अलग दो जितना हो सके। सिंगल आप इसमें न्यूट्रिशन हमेशा अलग अलग दो, थोड़ा थोड़ा सिक्वेंस में दो, 7 दिन 10 दिन का गैप में आप दे दो, ठीक है। ये तो हो गया माइट का टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं रस्टिंग। रस्टिंग में मैंने सीधी सी बात की है कि पहले भी मैंने वही बताया है कि रस्टिंग एप्पल और उसमें जाता है। देखो एप्पल की डंडी में रस्टिंग हमेशा जब पीछे आपको आएगी वो आती है आपका जो पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हो, तो जितना पॉसिबल हो लिक्विड फॉर्म में करो। और रस्टिंग के लिए आपने एक बात आपने मैंने जो आपको अभी भी बताई, ठीक है, मैं आपको फिर से डिस्कस करता हूँ रस्टिंग पे कि आपने क्या करना है। देखो जब आपके रस्टिंग की आपको बहुत दिक्कत होगी, लास्ट ईयर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो कभी भी न्यूट्रिशन कभी भी NPK वगैरह आपने मिक्सचर नहीं करना है फंगीसाइड वगैरह के साथ, ठीक है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि हम सिंगल ही करते हैं, 7 दिन के बाद कर लो, पर सिंगल कर लो, ठीक है। दूसरा कैल्शियम, कैल्शियम के डोजेज तो मैं आपको कह रहा हूँ कैल्शियम की स्प्रे करो। रेस्टिंग से आपको सिर्फ कैल्शियम ही सेव कर सकता है 80% तक, एक बार में नहीं करेगा, कम से कम 12-13 स्प्रे तो कम से कम करो ही करो प्री हार्वेस्ट तक, ठीक है। तो ये दो टॉपिक थे जो हम क्लियर कर लिए कि मेन चीज़ तो वही क्वेश्चन वही था कि कैसे इंसेक्ट जो बढ़ाता है, वो सिंपल से जब एग्ज आपके ब्रेक डाउन होंगे तो डेफिनेटली आपकी माइट्स को वो पैदा कर रहा है, ठीक है, बढ़ा रहा है। सो भाई थैंक यू, बाकी अपडेट नेक्स्ट करेंगे आपको, थैंक यू।